सुनो ध्यान से, जब भी कभी तुम डीमोटिवेट हो, तुम्हें लगे कि मेरा मंजिल बहुत दूर है, आंख बंद करो और अपना काम करो, कुछ मत करो। बीच में मैं भी तुम्हें बताता हूं, पढ़ाने से पहले तो नहीं, पढ़ाने से पहले तो लगता था अरे यार ये तो गेट और सेमीकंडक्टर तो पढ़ाना है, मैं बहुत आसानी से खत्म कर दूंगा। लेकिन बीच में मुझे फील हुआ अरे यार क्या कर रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा सेक्शन है, क्या कर रहा है एमआर, क्यों पंगे ले रहा है, ये जो वोकल कोड है ना दुख रहा है, दुख रहा है, बोला नहीं जा रहा। कल फिर मुझे 5 घंटे पढ़ाना है लगातार, फिर मुझे कल पढ़ाना है 5 घंटे, जो हमारा रेगुलर बैच है उसमें भी 5 घंटे फिर पढ़ाना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मंजिल बस दिखने में बड़ा लगता है। लगातार आप कोशिश और संघर्ष करते रहेंगे ना तो आपको मिलेगा, कहीं नहीं भाग के जाएगा। तो अगर आप कभी भी डीमोटिवेट होते हो ना, बस एक ही चीज याद रखो कि मंजिल बहुत दूर है लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स है। मेरी बात सुनना ध्यान से, आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर दिख रही है लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहा, तुम उसके तरफ बढ़ रहे हो। हर रोज तुम थोड़ा चलो, चलते रहो चलते रहो, वो पास आएगा, दूर तो जा ही नहीं सकता ना। बस जरूरत इस चीज की कि तुम चलो, जरूरत सिर्फ इस चीज की तुम बढ़ो, तुम चलो, चलो तो सही, कहां जाएगा, चलो, समझ रहे हो। मंजिल और तुम्हारा गोल, तुम्हारा एम, उसकी पोजीशन फिक्स है। अब तुम्हें वो दूर हमेशा दिखता रहता है, क्यों, क्योंकि तुम चलने की कोशिश नहीं करते, तुम रुक जाते हो। अब जब रुक जाओगे तो डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी, लेकिन जब तुम चलोगे, थोड़ा चलो ज्यादा चलो, चलते रहो चलते रहो, वो पास आएगा, कहां जाएगा, भाग ना तू, लगातार भागता रह, रुक क्यों रहा है, लगातार भागता रह, कहां जाएगा मंजिल, वो आएगा और एक ना एक दिन आएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो उसकी पोजीशन फिक्स है। बस जरूरत है तो तुम्हें चलने की, लगातार चलने की और चलते रहने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। चलिए, सेमीकंडक्टर आपका कंप्लीट हुआ और ऑलमोस्ट 1.1 के बच्चे देख रहे हैं, मतलब 1100 बच्चे लगातार देखे, है ना। शुरुआत में तो 2 के थे, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी बच्चे कल आके देखेंगे। हिम्मत हार गए, जो हिम्मत हार गया वो गया, जो थक के सो गया वो गया, लेकिन जो लगातार मेहनत करके सीखा है। और इतना जरूर याद रखना, मैं हमेशा अपने रेगुलर बैच में और हर बच्चों को बताता हूं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे मेहनत का क्या होगा, तुम्हारे सिलेक्शन का क्या होगा। बस इतना याद रखो कि दुनिया गोल है, जो तुमने मेहनत किया है वो तुम तक ही लौट कर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम तक ही लौट कर आएगा, चाहे वो आज आए या कल आए या परसों आए, तुम्हारा किया हुआ मेहनत कहीं नहीं जाएगा। अगर तुमने बैठ के ईमानदारी से पूरे लेक्चर देखे हैं, सवाल सॉल्व किए, कंसेप्ट समझाए, अब तुम हमेशा एडवांटेज में रहोगे। अब जब ये तुम्हें रिटर्न में मिले मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिलेगा, ये मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, समझ रहे हैं आप, ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपको ही मिलेगा। पानी पी लो, बिल्कुल ठीक है, पानी भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे। एमआर सर इज बेस्ट, ये तो बेटा आपका प्यार है, हम तो बस कोशिश करते हैं, है ना। आपका प्यार पाना भी एक बहुत बड़ी मंजिल है, ऐसा नहीं है बेटा, आसान नहीं है, है ना। बच्चों का प्यार पाना ये बहुत बड़ा गोल है, हर कोई नहीं कर पाता ये। और ये भी कैसे मिलता है, पागलपन से। हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चे के लिए, बच्चा देखता है तभी आ जाके अप्रिसिएट करता है। अगर हम काम चोरी करें तो भले ही बच्चा एक बार देखे उसको पता ना चले, लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा ये मास्टर ने टोपी पहनाया था, तो भाई साहब बच्चा तो किसी का नहीं होता है, बहुत बच्चे को तुम जानते नहीं हो, बच्चा भाई साहब बहुत स्मार्टकान है, उसको जिस दिन पता चल गया ना कि मास्टर ने टोपी पहनाया था, उसको तो पकड़ के खींच के ले आता है तो बेटा ये भी आसान नहीं है। तो अगर आप मेरे लिए कुछ कह रहे हैं तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा गोल था, बहुत बड़ा मंजिल था, जो हमारे लगातार मेहनत और संघर्ष से मिला है ठीक है बेटा, बहुत 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 आपका धन्यवाद।